दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमिलिन क्रीम के बारे में और मैं आपको बताऊंगा क्यों ये डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा देते हैं आपके दाग धब्बों को कम करने के लिए और क्यों ये एक बेस्ट मेंटेनेंस क्रीम आती है। फिर चाहे आप कोई सभी एक्ने का ट्रीटमेंट कराएं या फिर एक स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा पसंद जो करते हैं वो इस क्रीम को करते हैं। तो सारे इंग्रीडियंट्स के ऊपर जाएंगे, क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं इस पर्टिकुलर क्रीम के वो बताऊंगा, किनको इस्तेमाल करनी है किनको अवॉइड करनी है ये क्रीम वो बताऊंगा, बेस्ट टाइम क्या रहता है इस पर्टिकुलर क्रीम को यूज करने का वो भी पता चलेगा। इसी के साथ ही साइड इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा और कितना अमाउंट आपको यूज करना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा अमाउंट यूज कर लेते हैं जिसके कारण उनको कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं। तो इन केस अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो कर लीजिए एंड वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा स्किन के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ये है डेमिलिन क्रीम जो आती है ग्लेनमार्क की तरफ से और ये एक बेस्ट स्किन लाइटनिंग क्रीम है। स्किन लाइटनिंग का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी दाग धब्बे हैं उसे खत्म करके रख देगी। इसी के साथ ही आपके और भी हाइपर पिगमेंटेशन सन डैमेज वगैरह होता है उसे सही करने में आपकी मदद करती है। स्किन लाइटनिंग का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप थोड़े से डार्कर शेड में है तो आप लाइटर शेड में चले जाएंगे या फिर आप लाइटर शेड में तो एक दो टोन और गोरे हो जाएंगे, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता। स्किन लाइटनिंग क्रीम का बस ये काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको आपका खुद का नेचुरल ग्लो देना। तो ये मिसकंसेप्शन बहुत बड़ा रहता है हम लोगों के दिमाग में कि भैया स्किन लाइटनिंग का मतलब ये हो गया कि मैं बहुत ज्यादा डार्क हूं तो मैं ये क्रीम लगाऊंगी या लगाऊंगा तो मैं एकदम से गोरा बन जाऊंगा। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों कि आपका जो स्किन का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड उसको किसी भी तरह को आपको चेंज नहीं करना चाहिए एंड आप कर भी नहीं सकते। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी है जो आपकी स्किन का कलर चेंज करके रख दे। हाँ ये ज़रूर है कि इस तरह की क्रीम्स आपकी मदद ज़रूर कर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके अंदरूनी ग्लो जिसे हम बोलते हैं वो निखार के लाने के लिए। ऑलराइट, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इस पर्टिकुलर क्रीम की तो इसमें तीन मेन इंग्रेडिएंट आपके सामने आते हैं जो बहुत ही अमेजिंगली काम करते हैं और आपको देते हैं वो बेदाग त्वचा। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है आपका ग्लाइकोलिक एसिड। दोस्तों ग्लाइकोलिक एसिड इस पर्टिकुलर क्रीम में 10% की कॉन्सेंट्रेशन में पड़ा है। अब जिन लोगों को नहीं मालूम कि ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, ये एक तरह से शुगर से डिराइव्ड होता है, एक तरह का एसिड होता है और ये एक AHA की कैटेगरी में आता है। बेसिकली तीन ग्रुप्स होते हैं हमारे एसिड के, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड एंड पॉली हाइड्रोक्सी एसिड। ये तीन ग्रुप्स होते हैं दोस्तों जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में आते हैं, लैक्टिक एसिड, मंडेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। ये सबसे ज्यादा माइल्ड वर्जन माने जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी त्वचा को एक्सफोलिएट करते हैं। जैसे आप फिजिकल स्क्रब करते हैं ना वही काम ये पर्टिकुलर ग्लाइकोलिक एसिड करते हैं, क्योंकि ये शुगर डिराइव्ड एसिड होते हैं दोस्तों और ये काफ़ी अमेजिंगली आपके पिगमेंटेशन पे काम करते हैं। मतलब आपके मुहासे के बाद रह जाने वाले जो दाग हैं, धब्बे हैं, उस पर काम करते हैं। सन टैनिंग हो गई है तो उसे निकाल देंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग के कई बार यहाँ पे पैच आ जाता है सन टैनिंग के कारण ही, सर पे काला काला एक पैच आ जाता है, तो उसे निकालने में बहुत ही अच्छी तरह से आपकी मदद करती है ये क्रीम। और दोस्तों ग्लाइकोलिक एसिड आपकी जो ऊपरी सतह है उसे निकाल देता है और आपकी अंदरूनी निखरी त्वचा आपको नजर आने लगती है। तो ये काफी अच्छा एसिड है और काफी ज्यादा सेफ एसिड ये माना जाता है, बहुत से लोग को सूट कर जाता है और बहुत ही ज्यादा ये माइल्ड एसिड होता है। दोस्तों दूसरा जो इसका इंग्रेडिएंट है उसका नाम है आरब्यूटिन, जो 5% की कॉन्सेंट्रेशन में इस पर्टिकुलर क्रीम में आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली दोस्तों ये बेयर बेरी प्लांट से डिराइव होता है और क्योंकि एक प्लांट बेस्ड एसिड है तो काफी ज्यादा ये सेफ होता है। एंड सेकेंडली दोस्तों ये हाइड्रोक्विनोन का भी डेरिवेटिव होता है, सो ये काफी ज्यादा सेफ एसिड है। इसी के साथ ही दोस्तों ये आपके जो मेलानिन है उसकी प्रोडक्शन को बनने से रोकता है। कैसे रोकता है? क्योंकि आपकी बॉडी में दोस्तों ऑलरेडी मेलानिन का प्रोडक्शन होता है और जो लोग थोड़े से डार्कर टोन में होते हैं उनकी बॉडी में थोड़ा ज्यादा होता है। आपकी बॉडी में ज्यादा मेलानिन बनेगा तो आप डार्कर टोन में जाएंगे, कम मेलानिन बनेगा तो आप लाइटर टोन में जाएंगे। तो इन सारी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स का काम यही होता है कि मेलानिन का जो प्रोडक्शन है उसे कम करना। कैसे कम करती है? टायरोसिन नाम का एक एंजाइम होता है आपकी बॉडी में, उसके प्रोडक्शन को कम करती है जिसके कारण आपका जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो भी कम होता है, जिसके कारण आप थोड़े से लाइटर टोन में जाने लगते हैं। सिंपल काम करता है ऐसे। अगला जो इसका इंग्रेडिएंट है दोस्तों उसका नाम है कोजिक एसिड, जो इस पर्टिकुलर क्रीम में पड़ा है 2% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। कोजिक एसिड दोस्तों फंगस से डिराइव किया जाता है और ये भी काफी ज्यादा अच्छा एंड सेफ एसिड माना जाता है व्हेन इट कम्स टू योर स्किन लाइटनिंग। ये भी बेसिकली सेम ही काम करता है, ये आपके टायरोसिन के प्रोडक्शन को कम करता है जिसके कारण जो आपकी स्किन का कलर है दोस्तों वो थोड़ा सा लाइटर होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि दोस्तों ये जो पर्टिकुलर एसिड है बहुत ज्यादा सेफ होता है एंड बहुत ज्यादा माइल्ड होता है, तो ये जनरली किसी और एसिड के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड हो गया या फिर लैक्टिक एसिड हो गया। इन दोनों एसिड का कॉम्बिनेशन काफी अच्छे तरह से आपकी स्किन पर काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों जैसे कि बेनिफिट्स की बात करूं तो इसमें आपको जितने भी आपके एक्ने के बाद होने वाले दाग धब्बे होते हैं, जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, उसमें कमी देखने को मिलेगी। मतलब एकदम से तो नहीं जाएंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो हाँ, आपके दाग धब्बों में कमी आएगी। सेकेंडली दोस्तों, अगर आपके मिलाज़मा है या फिर आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो मिलाज़मा के जो मेंटेनेंस होती है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों मिलाज़मा को ठीक नहीं करती है, हाँ लेकिन मेंटेनेंस में काम करती है। तीसरी चीज, फ्रिकल्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज़, अगर आपको किसी भी तरह की सन टैन हुआ है या सन के छोटे छोटे स्पॉट्स आ गए हैं आपके फेस पे, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा ये रोल निभाती है और स्पॉट्स को गायब करने में आपकी स्किन की मदद करती है। इसी के साथ ही दोस्तों, कहीं कट का निशान है या फिर कोई ऐसा निशान है जो कि बहुत पुराना निशान है, तो उसको भी फेड आउट करने में आपकी मदद करती है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि दोस्तों इस पर्टिकुलर क्रीम को आपको लगाना कब है। तो दोस्तों ये जो क्रीम है आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है सूरज के प्रति, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपकी ऊपरी त्वचा की जो लेयर है वो निकालती है और आपकी अंदरूनी त्वचा बाहर आती है। जब आपकी अंदरूनी त्वचा बाहर आती है तो वो त्वचा बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं फोटो सेंसिटिव होती है, मतलब सूरज की गर्मी और UVA एंड UVB रेजेस उसको एकदम से नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आपको ये पर्टिकुलर क्रीम हमेशा रात को ही लगानी है, दिन के टाइम आपको कभी इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये तो हो गया आपका नाइट केयर रूटीन। और अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना है मुंह धोने के बाद, एंड उसके बाद एक अच्छी सनस्क्रीन लगानी है मिनिमम SPF 30 की। अगर आपने सनस्क्रीन की वीडियोस नहीं देखी है और आप कंफ्यूज है कौन सी सनस्क्रीन लूं, तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। दोस्तों साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर क्रीम के, तो वैसे तो काफी ज्यादा सेफ क्रीम है, सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते, लेकिन कई लोग की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो नहीं टॉलरेट कर सकते। तो आपको कब इस्तेमाल नहीं करनी है क्रीम, जब आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा ड्राई हो, ठीक है, एंड सेंसिटिव हो, उसमें बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हो, या फिर आप ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ भी लगा रहा हूं तो एकदम से एक्ने हो जा रहा है मुझे, तो उस केस में भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तीसरी चीज, ब्लीच करने के 72 घंटे तक आपको इस तरह की कोई भी स्किन लाइटनिंग क्रीम या कोई और भी क्रीम जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड पड़ा हो, उस तरह की क्रीम्स आपको अपने फेस पे नहीं लगानी है। बहुत ज्यादा गंदा रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ब्लीच बहुत ज्यादा हार्म करती है आपके फेस को, एंड सेकेंडली अगर आप ऊपर से इस तरह की कोई चीज लगा लेते हैं तो और ज्यादा वो हार्म कर सकती है। और अगर आपको रेडनेस देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर क्रीम को लगाने के बाद, एंड इरिटेशन देखने को मिल सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्राइनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, तो ये जो साइड इफेक्ट्स है बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ जैसे कि हर एक की स्किन टाइप अलग होती है तो कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये क्रीम लगाना बंद कर दीजिए और सीधा जाइए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और उन्हें अपनी स्किन की कंडीशन दिखाइए। दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका जो इस क्रीम को लगाने का होता है वो होता है पैच टेस्ट करके लगाना। मतलब आप कहीं पर्टिकुलर एक एरिया में थोड़ी सी क्रीम लगा के देखिए, और मैं आपको अमाउंट भी बता देता हूँ कि कितनी आपको लगानी है ताकि आपको पता चले, और आप ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि कई लोग क्या होता है ज्यादा लगा लेते हैं जिसके कारण उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो आपको लगानी है ये सिर्फ इतनी मैंने दिखाई, ये इतनी इनफ है दोस्तों आपके फेस के लिए, और आपको पूरे फेस पे से इवन अप्लाई करना है डॉट 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 करके, और इसके बाद आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है। स्मेल की बात करूं तो देखो दोस्तों, ऑलरेडी ये मेडिकेटेड क्रीम है जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड मेडिकेटेड खुशबू इसमें आती है, तो आपको बेयर करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो फर्क देखना है तो थोड़ा सा इसमें कॉन्स भी है कि आपको इसमें फ्रेग्रेंस देखने को मिलेगी जो कि मेडिकेटेड टाइप की है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट क्या करें, कुछ पाना तो कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है इस क्रीम को लगाते समय और इस क्रीम के लगाने के बाद भी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ये सुबह के टाइम बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, हमेशा रात के टाइम करनी है। एंड सेकेंडली आपको हमेशा सनस्क्रीन लगा के रखनी है, क्योंकि सनस्क्रीन से ही आपकी जो अंदरूनी वो त्वचा है जो निखर के आएगी आपके बाहर वो बच सकती है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो वो त्वचा खराब हो जाएगी और फिर आपको फायदे के बजाय और नुकसान हो जाएगा। दोस्तों रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं कि कब आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो 6 से 8 हफ्ते आप मान के चलिए, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि हर एक चीज़ को आने में टाइम लगता है,
रिजल्ट्स को आने में भी टाइम लगता है दोस्तों। तो 6 से 8 हफ्ते आप मान के चलिए आपकी स्किन पर विजिबल रिजल्ट्स तभी आते हैं। तो आपको थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए दोस्तों। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग को ये पर्टिकुलर क्रीम है वो सूट नहीं करती, उनको दूसरी क्रीम्स सूट करती है, जैसे कि बायलूमा क्रीम। तो अगर आप बायलूमा क्रीम के बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें क्या चीज़ें पड़ी हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने खुल के बताया और हर एक चीज़ एंड हर एक इंग्रेडिएंट बताया कि इसमें क्या पर्टिकुलर ऐसा इंग्रेडिएंट पड़ा है जो इसको काफ़ी ज़्यादा सेफ स्किन लाइटनिंग क्रीम बना देता है। तो जाइए देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाइए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। बाय।